नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन तीन वजहों के बारे में जिसकी वजह से आप अभी भी अपने एक्स पार्टनर को वापस से रीअट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, वापस से पा नहीं पाए हैं, वापस से उसको उसकी गलती का एहसास नहीं दिला पाए हैं। दोस्तों अगर आपको कोई रिलेशनशिप में उसमें ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप के बाद अगर आप तीन गलतियां लगातार मेरे दोस्त अगर आप कर रहे हैं तो मेरे दोस्त एक्स पार्टनर आपका वापस नहीं आने वाला है। और उन तीन गलतियों को कैसे सुधारें और तीन गलतियां क्या हैं, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई तुम्हारा रिलेशनशिप था उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सारी दिक्कत तुम्हें होनी है। तुम ही सोच रहे हो, सारा एफर्ट तुम ही लगा रहे हो, सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं है और उस इंसान ने रिलेशनशिप को बचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। उस इंसान को जाना तो वो इंसान चला गया। अब उस इंसान के चले जाने के बाद अगर तुम तीन गलतियां कर रहे हो तो मेरे दोस्त उसे फौरन सुधार लो, वरना एक्स पार्टनर नहीं वापस आने वाला, ना उसे अपनी गलती का एहसास होगा। और ये तीन गलतियां अगर तुम कर रहे हो तो मेरे दोस्त आगे चल के इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो बढ़ते हैं उन तीन वजहों या उन तीन गलतियों पे, जिसमें नंबर एक है एक्स को स्टॉक करना। क्या मेरे दोस्त तुम अभी भी अपने एक्स पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे? अगर इसका जवाब हाँ है तो मेरे दोस्त फौरन बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक मैसेज जाएगा कि ये इंसान कितना ज़्यादा पहुँच के बाहर है और ये इंसान कितना ज़्यादा खुश है और तुम्हारा इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हें लग ही नहीं पाएगा कि रिलेशनशिप के आगे भी कोई दुनिया है। और अभी भी नहीं लग रहा है, हो सकता है बातें कड़वी भी लग जाए कि हाँ सर रिलेशनशिप नहीं मिला तो हम बाकी दूसरी चीज़ लेके क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त मैं जानकारी के लिए बता दूँ, तुम अभी कह रहे हो, अभी तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा इसीलिए तुम्हें रिलेशनशिप सब कुछ लग रहा है। तुम्हें लग रहा है ये सक्सेस भी होंगे तो किसके लिए होंगे, आगे बढ़ेंगे तो किसके लिए बढ़ेंगे, और बहुत बड़े इंसान हम बन भी गए जीवन में, बहुत कुछ हासिल भी कर लिया, तो क्या ही फ़ायदा भैया उसका, जब प्यार ही नहीं उसके पास है, उस इंसान को हम जीत नहीं पाए तो हमें सब कुछ हासिल होने का भी क्या फ़ायदा। तो अगर ऐसा सोच रहे हो मेरे दोस्त, तो ये सोच तुम्हारी, ये थॉट्स तुम्हारे बहुत ही टेम्प्ररी हैं और सिर्फ शुरुआत में ही आएंगे तुम्हें, ठीक है? अभी तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम्हारा जीना हराम है, क्योंकि सुबह शाम उसके ख्याल तुम्हारे दिमाग में चला करते हैं, जिसकी वजह से तुम पहुंच जाते हो सोशल मीडिया पर स्टॉक करना। शुरुआत तो तुमने देखने के लिए किया होगा, अब तुम्हारी ये आदत बन चुकी है स्टॉक करना। स्टॉक करके तुम्हें कुछ बढ़िया खबर मिलती नहीं होगी, उल्टा तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि उसने हंसती हुई फोटो डाल दी तो तुम उदास हो जाओगे, तुम्हें दर्द हो जाएगा, तुम्हें दर्द होने लगेगा कि इंसान इतने मज़े में क्यों है, वो इंसान अब जीवन के सारे काम कर रहा है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो तुम्हें तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी कि भैया ये इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और ऐसा ही हो रहा होगा, जब भाई तुम सोशल मीडिया पर उसको स्टॉक करते होगे तो वो खुश ही रहता होगा, अपने जीवन के सारे काम कर रहा होगा और वो ब्रेकअप रिलेशनशिप का नाम भी नहीं लेता होगा सोशल मीडिया पर, और तुम यहाँ स्टेटस पर स्टेटस लगा रहे हो प्यार मोहब्बत वाले, तो फौरन बंद कर दो इन सब चीज़ों को। तो तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम उसका सोशल मीडिया स्टॉक करोगे तो वो इंसान अपनी ब्रेकअप की कहानी सुनाते हुए नजर आएगा और तुमको इनडायरेक्टली मैसेज करेगा कि उसको मैसेज करो? ऐसा नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, ये सिर्फ तुम्हें लगता है। तो फौरन स्टॉक करना बंद कीजिए अपने एक्स पार्टनर को। उसके साथ में ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर दो पे, जो कि है मैसेज करना। क्या अभी भी मेरे दोस्त अपने एक्स पार्टनर को मैसेज करते हो बीच बीच में तुम जागते हो, उसको मैसेज करते हो और साथ में उसको बताते हो तुम उसे कितना प्यार करते हो और तुम उसको वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? अगर ये सब बताते हो मेरे दोस्त तो फौरन बंद कर दो, क्योंकि ये सब बताने का मतलब है जलती हुई आग को ठंडा कर देना। क्योंकि उसे जरा सा भी इंटरेस्ट जगता होगा, जरा सा भी तुम्हारे बारे में सोचता होगा कि कहीं तुम निकल ना जाओ उसके हाथ से, वहीं पे तुम मैसेज करके उस इंसान को ठंडा कर देते हो, वहीं उसको यकीन दिला देते हो कि अरे तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, क्योंकि उसे ये पता है कि तुम कहीं जाओगे नहीं, इसी वजह से वो शांत बैठा है। उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, ना वो इंसान पत्थर दिल है, वो तुमसे भी ज़्यादा इमोशनल इंसान है, लेकिन तुम्हारे खोने का डर उसे इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पता है तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, चार साल बाद भी वो मुंह उठा के आएगा और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो लोगे, इस चीज़ का उसे फेक बिलीव है, इस वजह से वो इंसान तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। तो अभी भी मैसेज तुम करते हो तो मेरे दोस्त करना बंद कर दो, उस मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं हो, वो इंसान पढ़ता नहीं है बड़े बड़े मैसेज, क्योंकि उसमें तुमने वही पुरानी किसी बड़ी बात लिखी होती है, ठीक है, कि तुमसे कितना प्यार करते हो और तुम्हारे प्यार की उसके पास कमी नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हारे प्यार कमी की वजह से वो इंसान छोड़ के नहीं गया। अगर तुम उसको साबित कर दो कि तुम दुनिया के सबसे लविंग इंसान हो तो भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तभी पड़ेगा उस इंसान पे जब उसकी पहुंच से बाहर होगी, जब उसको बताना शुरू करोगे, जब उसको फील कराना शुरू करोगे कि तुम अब उसकी पहुंच से बाहर हो, अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और अब तुमने अपने आप को पहली प्रायोरिटी बना लिया है, तब जाके उसको फर्क पड़ेगा। तो मैसेज करना छोड़ के अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो मेरे दोस्त। साथ ही बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कि अब
अभी भी तुम अगर अपनी ब्रेकअप की कहानी तुम पूरी दुनिया को सुनाते रहते हो और तो अपने एक्स को गलत हो, अपने आप को सही साबित करते हो, तो इससे मेरे दोस्त कुछ होगा नहीं, तुम्हें थोड़ा टेम्प्रेरी रिलैक्स मिल जाएगा, तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है तुम सही थे वो गलत है, लेकिन उसके बाद उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुमको। उसके बाद तुम्हें 2-3 घंटे बाद फिर से वही लगने लगेगा, तुम्हें याद फिर से उस इंसान कहने लगेगी। अगर तुम्हें कोई बोल देता है कि तुमने भाई बहुत किया, तुम्हारा एक्स ही नालायक था, उसी की गलती है, तुम्हें सुन के अच्छा लग जाएगा। ये अच्छा कितने टाइम के लिए लगेगा? 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन 1.5 दिन? जैसे ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें बढ़िया लगता है, कितने टाइम के लिए बढ़िया लगता है? 2 घंटा 3 घंटा? इसके बाद तुम फिर से उसी पोजिशन में आ जाते हो। तो उसी तरीके से मेरे दोस्त, तुम अगर किसी को अपने ब्रेकअप की स्टोरी बताओगे और तुम्हें सही बोल देगा, तो मेरे दोस्त ये 2-3 घंटे ज़्यादा तुम्हें बढ़िया लगने वाला नहीं है। तो अपने ब्रेकअप की स्टोरी बताना बंद करो, उससे कुछ साबित नहीं होगा। तुम्हारे कलेजे को ठंडक तभी पड़ने वाली है जब तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे पास आए, कदमों में गिर के बोले कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती होगी तुमसे ब्रेकअप करके, तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, तुमने जितना एफर्ट किया दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, तुम सबसे बेस्ट पर्सन थे मेरे लाइफ में और तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जब तक तुम्हारे कान नहीं सुन लेंगे उसके मुंह से, तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ने वाला। तुम कुछ भी कर लो, तो कुछ भी यहाँ वहाँ बहस कर लो, कुछ भी अपने प्यार के बारे में बताते रह जाओ, कुछ नहीं होना है उससे। तो अपने ब्रेकअप की स्टोरी सारी दुनिया को बताना बंद करो। कोई इंसान पूछे तो बोल दो हाँ ब्रेकअप हो गया है और तुम ठीक हो। बताने मत लग जाओ मेरे दोस्त उसको कि मुझे इतनी तकलीफ है, इतना दर्द है, मैंने उसके प्यार में ताजमहल बनवा दिया था। ये सब बताने की जरूरत नहीं है दुनिया को, ठीक है? तुम कितना प्यार करते थे उससे, ये अपने तक और अपने एक्स तक ही रखो, दुनिया में मत फैलाओ, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क भी पड़ता है तो उससे कोई फायदा नहीं है। भाई मुझे पता है कि तुम बहुत प्यार करते थे, उसका सिला तुम्हें ब्रेकअप मिला, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है, बस हमें पता चल गया, लेकिन हमारे पता होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ये एहसास तुम्हारे एक्स पार्टनर को होना चाहिए। तो अगर तुम्हें अपने एक्स पार्टनर को एहसास दिलाना है तो उसकी पहुंच से मेरे दोस्त बाहर होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना पड़ेगा और अपने अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त ये 3 वजहें थी जो कि तुम्हारे एक्स पार्टनर को तुम उसकी गलती का एहसास नहीं होने दे रही है। तो इन 3 गलतियों को फौरन सुधार लो। सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस।